नगर पालिका परिषद मसूरी ने शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट ने शिरकत की। मसूरी के टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय स्पेस एसोसिएशन नई दिल्ली के महानिदेशक एवं सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर की। इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत 650 शिक्षकों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि नगर पालिका द्वारा हर वर्ष शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। उन्होंने कहा कि मसूरी शिक्षा का केंद्र है और यहाँ पर देश और विदेश के छात्र छात्राएं पठन पाठन के लिए आते हैं। ऐसे में शिक्षकों का सम्मान करके उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। आज चंद्रयान हम देख रहे हैं कि चांद के साउथ पोल पे पहुंचता है, उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा रोल रहा है और उन वैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए वो इन जैसे शिक्षकों का रोल रहा है। तो हमारा एक फर्ज बनता है, मसूरी क्योंकि एक एजुकेशनल हब है, तो हम सब ने निर्णय लिया है कि मसूरी के शिक्षकों को सम्मानित किया जाए और इस अवसर पर यहाँ पर तमाम शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय स्पेस एसोसिएशन के निदेशक अनिल कुमार भट्ट ने नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा शिक्षकों के सम्मान किए जाने पर सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्र छात्राओं में ज्ञान अर्जित करने की विशेष क्षमता रखते हैं, ऐसे में शिक्षकों का सम्मान करना गर्व की बात है। इस अवसर पर आरजे काव्य ने कहा कि आज शिक्षकों के द्वारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और शिक्षक दिवस पर सम्मानित होने वाले सभी शिक्षक बधाई के पात्र हैं। बहुत बढ़िया है। देखिए, शिक्षक जो होते हैं ना, हम कहते हैं समाज को बनाने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है और जब उनका सम्मान होता है, वैसे तो हर दिन उनका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, हम कई बार अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। स्पेशली जब हम खुद स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें सबसे बेकार दो ही लोग लगते हैं, एक पेरेंट्स और दूसरे अध्यापक। लेकिन लाइफ में जब कुछ बन जाते हैं तो तब सोचते हैं यार वो टीचर कितने अच्छे थे। तो जब वो अच्छे थे और हमें वो भाव आ ही चुका है तो क्यों ना हर शिक्षक का सम्मान किया जाए। तो ये अनुज भाई ने, अनुज गुप्ता जी ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत ही जबरदस्त है और मुझे लगता है कि सम्मान होना ही चाहिए शिक्षकों का, क्योंकि वही जैसे बचपन में हम लोग सुनते थे ना कि गुरु गोविंद दो खड़े का को लाके पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि गोविंद तक का रास्ता भी तो गुरु ही बताते हैं। देखिए, मैं हमेशा यही मानता हूँ कि शिक्षक से बड़ा नेशनल बिल्डर कोई नहीं, और हमेशा जो एक कहावत है कबीर जी की कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं कसके लागे पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद नाम दियो बताया। बेसिकली गुरु तो वो है जो मुझे ईश्वर ही बताता है, और गुरुओं की जो टीचर्स की जो पावर है, जिसको हम 5 सितंबर को हमारे प्रेसिडेंट के श्री राधाकृष्ण के बर्थडे के उसमें मनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पिछले 2 सालों से यहाँ की मसूरी की म्यूनिसिपल बोर्ड सब टीचर्स को वो यहाँ पर बुलाकर उनको अवार्ड दे रही है, उनके काम को अप्रिशिएट कर रही है। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival. Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।